फिफ्थ चैप्टर है, उसका नाम है इंडिगो। अब इंडिगो बेसिकली क्या है, तो इंडिगो को हम हिंदी में कहते हैं नील। नील जानते हो ना, पहले के समय पे लोग कपड़े पर चढ़ाते थे, बस वही नीले, कोई खास चीज नहीं। ठीक है, किस कलर का होता था? नीले कलर का होता था। अब के टाइम पर लोगों ने कम कर दिया है चढ़ाना। ठीक है, तो नील, अच्छा नील चढ़ाते क्यों थे? थोड़ी शाइनिंग आ जाए और कपड़े थोड़ा गंदे कम होते थे, तो वही नील है। तो दरअसल ये जो नील है बेसिकली वो एक क्या है, कलर है, रंग है, और ये बेसिकली फसल है, मतलब इसकी खेती होती थी, किसी मशीन में नहीं बनता था, इसको एक जगह उगाया जाता था, जिसे रुई को उगाया जाता है, उस तरह से भी नील की खेती होती थी, उसको उगाया जाता था। तो कहां पर उगाया जाता था? तो नील को उगाया जाता था बिहार में। बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट था, जिस डिस्ट्रिक्ट का नाम था चंपारण। ठीक है, बिहार का एक जिला है जिसका नाम चंपारण है, जो कि हिमालय के किनारे स्थित है, वहां पर जो फसल लगाई जाती थी उसी का क्या नाम था, नील। दरअसल हुआ क्या था, तो नील की फसल जब लगाते थे, तो नील की फसल लगाते समय जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने एक एग्रीमेंट किया था, सहमति पत्र इन्होंने करवा ली थी कि आपको 1/3 में आपको नील उगानी है। दैट मींस अगर आपके पास मान लीजिए कि 100 बीघा खेत है, तो आपको 75 बीघे में नील उगानी है, और उसके बाद बेचना किसको है, तो बेचने के लिए फिर से किसका इस्तेमाल करना है, ब्रिटिशर्स। मतलब अच्छा, आजकल के टाइम पे धान गेहूं लगाते हैं, क्या किसी एक बंदे को बेचना हमारे लिए जरूरी होता है? नहीं, आप जहां चाहे वहां बेचते हैं। लेकिन अच्छा, ये बात कब की है, तो ये बात है 1916 की, ये आज की कहानी नहीं है, 1916 की ये बात है, जब बिहार के चंपारण जिले में नील उगाई जाती थी, ब्रिटिशर्स ने एग्रीमेंट किया था कि आपको इतने हिस्से पर नील उगानी है और इसको हमको बेच देना है। फिर ब्रिटिशर्स क्या करते थे, तो ब्रिटिशर्स इस नील को खरीदते थे इंडिया से, और इंडिया से खरीदने के बाद इसको एक्सपोर्ट करते थे जर्मनी को। तो जर्मनी क्या करता था, तो जर्मनी इससे क्या करता था, डाई बनाता था। डाई जानते हैं ना, टकले जो रंगते हैं, कलर लगाते हैं, उसी को डाई कहते हैं। जब कोई लड़की मरती है तो स्पेलिंग होती है DIE, मतलब जब सांसें आखिरी हो जाए तब, वैसा वाला मरना नहीं, और DYE डाई का मतलब क्या होता है, रंग। ठीक है, अभी होमोफोन मेरी तरह से काम आ जाएगा। हाँ, तो इंडिया वालों से उगाते थे और कहां बेचते थे, जर्मनी को बेच देते थे। जर्मनी वाले क्या करते थे, तो जर्मनी वाले अपनी क्लॉथ इंडस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल करते थे, साथ साथ में इंडिगो ना सिर्फ कलर के रूप में बल्कि दवा के रूप में भी इंडिगो का इस्तेमाल किया जाता था, दर्द की दवाइयों में इसके फॉर्मूले मिक्स हुआ करते थे। तो हुआ क्या, एक वक्त ऐसा आया कि जर्मनी, अच्छा ये जब उगा रहे थे तो जबरदस्ती उनको उगाना पड़ता था, तुम्हारी फसल हो या ना हो, आग लगे, बाढ़ आए, जल जाए, खत्म हो, धसो मरो, उससे कोई मतलब नहीं है, हमें हमारा पैसा चाहिए। साथ साथ में क्या कहते थे, इनसे एक तरह का टैक्स वसूलते थे, जिसको हम हिंदी में लगान कहते हैं। इस पर एक मूवी भी आमिर खान की बनी हुई है, लगान। मतलब देखिए, जैसे आप पर क्या हो गया कि आप 4 बीघे पर आप नील उगाएंगे, आपने नहीं लगाया, हम उसके जिम्मेदार नहीं, हमें हमारा पैसा चाहिए, ऐसी पॉलिसी किसकी थी, ब्रिटिशर्स की थी, कि तुम लगाओ ना लगाओ उसे मतलब ना है, समय समय पर पेमेंट तुम करते रहना। इस बात से किसान बहुत ज्यादा परेशान थे कि जबरदस्ती फसल लगाओ, कहीं बेच ना सको, उसके बाद पूरी की पूरी पेमेंट इन्हीं को करनी है। अच्छा, इन किसानों में से एक किसान हुआ करते थे, जिन किसान का नाम था राजकुमार शुक्ला नाम के किसान थे, जो थे तो बेचारे बहुत गरीब थे और अशिक्षित थे, लेकिन रिजल्यूट थी, मतलब इनके अंदर क्रांति लाना, जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं समाज में जो होते हुए जो कोनो मतलब नहीं, हम कहा कह सके थे, लेकिन ये उसमें से बिल्कुल नहीं थे, अगर कुछ गलत होता था तो उसकी खिलाफत करने के लिए तैयार होते थे। तो राजकुमार शुक्ला इस बात को लेकर परेशान थे कि यार फसल भी ना लगाओ तब भी दो, फसल लगा है तब भी दो। साथ साथ में एक वक्त ऐसा आया कि ब्रिटिशर्स ने कहा इंडिया वालों, अब तुम्हें इंडिगो उगाने की कोई जरूरत नहीं है। इंडिगो क्या था, एक तरह का फसल था। किस जिले की बात की गई है, चंपारण की। चंपारण जिला किस स्टेट में है, बिहार में है। ठीक है, जहां की मुख्य फसल क्या थी, अच्छा इसको बेसिकली क्या बताया गया है कि जो ये फसल थी वो कॉमर्शियल क्रॉप थी। कॉमर्शियल का मतलब होता है व्यवसायिक, मतलब ऐसी चीज जो तुम्हें पैदा करे बाद बेच दे, जैसे तंबाकू, जैसे मान लो किसी ने 2 बीघा तंबाकू लगा घर में मिलकर खाई होगा, नहीं है? किसी ने मान लो गन्ना बोया तो घर में मिलकर चुही होगा 10 बीघा बोकर, नहीं। ऐसा फसल जो उनकी क्या है, पैसे के लिए बोया जाता है, कि मतलब फसल को लगाया और उसको पेमेंट है, तंबाकू है, गन्ना है,
ठीक है, सोयाबीन है, अब सोयाबीन भी 2 बीघा लगवा तो घर पर सोयाबीन ना खाएं, ठीक है। धान ये हो सकता है कि आप खा लें, खाते पीते घर के हैं तो ठीक है, लेकिन आप ये जो फसल बोएंगे तो इंडिगो भी एक तरह का कॉमर्शियल क्रॉप था, तो कॉमर्शियल क्रॉप था, तो इसमें जर्मनी वालों ने इंडिया वालों से लेना मना कर दिया, क्योंकि जर्मनी वालों ने अपना आप जो था वो सिंथेटिक फाइबर उगाने लगे। आप सिंथेटिक जानते होंगे, या टू वर्थ नेचुरल, नेचुरल का मतलब प्राकृतिक, ठीक है, और आर्टिफिशियल और सिंथेटिक एक ही चीज होती है, जिसको हम शायद कृत्रिम या कृत्रिम ऐसे कुछ कहते हैं, कृत्रिम कहते हैं, पता नहीं, बोले तो बढ़िया ना चाहिए, ठीक है। तो सिंथेटिक मतलब हम सिंपल क्या कह सकते हैं, जो मैन मेड हो, मतलब जो इंसान बना है, क्या जैसे आज जो भी कलर चढ़ा है क्या ये नेचुरल है, सिंथेटिक है ये, क्योंकि ये मैन मेड है, और ये धीरे धीरे कलर इसका जाता रहेगा, जितने भी कपड़े हमने पहने इसका कलर जाता रहेगा। जींस पर ज्यादातर इंडिगो चढ़ाए जाते थे पहले के टाइम पर, आज भी सिंथेटिक है, क्योंकि वो चाहते हैं कलर जाए, क्योंकि कलर जाएगा नहीं तब तक कंपनी दोबारा उसको सेल नहीं कर पाएगी, कस्टमर उसको खरीदेगा नहीं। तो जर्मनी वालों ने अब क्या बना लिया, सिंथेटिक कलर। अब इन्होंने कहा भैया हमें नहीं चाहिए, मतलब अब इन्होंने ब्रिटिशर्स को मना कर दिया, कहा हमें हमारा कलर अब तुम्हारा इंडिगो नहीं चाहिए, क्योंकि हमने खुद का अब सिंथेटिक बना लिया। अब इंडिया वालों से इन्होंने कहा ऐसा है तुम अब इंडिगो ना उगाओ, तुम फिर मतलब भारत वालों को मुक्ति मिल गई, इंडिगो ना उगाओ, लेकिन हमारा टैक्स याद रखना, टैक्स का रेट वही रहेगा, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है, तुम जो मर्जी कहे फसल लगाओ, हमें हमारा पैसा चाहिए। तो कुछ लोग खुश हो गए, चलो छुट्टी पाएगा ना, खुद दूसरा लगेगा। अच्छा मान लो लगाओगे क्या, धान गेहूं लगाओगे, और पहले के टाइम पर पैदावार भी नहीं थी ज्यादा, क्योंकि फर्टिलाइजर्स भी इतने अच्छे नहीं होते थे, लोगों के पास टेक्निक भी इतनी ज्यादा नहीं थी, और फसल के लोग बारिश पर डिपेंड होते थे, बारिश हुई तो धान हुआ, नहीं हुई तो नहीं हुआ, मशीनें नहीं होती थी, जाकर स्टर चलाए, चाइना मशीन ले जाकर साइकिल के पास खींच के चलाओ, ऐसा कुछ नहीं होता था, ठीक है। इन्हीं किसानों में से राजकुमार शुक्ला जो थे, नहीं ये स्कूल गलत हुआ था, ऐसा ना हो जाए, तब ये बहुत परेशान थे, इन्होंने कहा हमारे लिए इंडिगो एक प्रॉब्लम बन चुकी है, और इनकी समस्याएं जो है हमारे लिए टैक्स भरना और फसल के ना लगने पर भी टैक्स देना बहुत दिक्कत की बात है। तो किसी ने इनको सजेस्ट किया कि ऐसा है कि आप एक ही इंसान आपकी बातों का सलूशन दे सकता है, वो कौन है, महात्मा गांधी, जिनका जन्म कब हुआ, तो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था पोरबंदर गुजरात में, ठीक है। अच्छा इनका डेथ कब हुआ था, 30 जनवरी 1948, कैसे हुआ था, गोली मार करके हत्या कर दी, किसने मारा था, नाथूराम गोडसे। अच्छा कुछ लोग ऐसे भी, हमारा दुर्भाग्य है कि कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं नाथूराम गोडसे जो थे वो अच्छे इंसान थे, बहुत बढ़िया, आपको क्या लगता है अच्छे इंसान थे नाथूराम गोडसे के बारे में, क्या कहेंगे, क्या उन्होंने गांधी जी को मार के अच्छा किया तो अच्छे इंसान थे, उसके लिए आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना होगा कि तब हम किसी को अच्छा बुरा कहते हैं। अच्छा हुआ क्या था कि हम जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 से पहले, 15 अगस्त 1947 से पहले इंडिया और पाकिस्तान एक कंट्री हुआ करते थे, मतलब कोई बंटवारा नहीं था, 1947 से पहले दोनों एक हुआ करते थे। तो 1947 में जब भारत आजाद हुआ, अच्छा हमारा लगातार दुर्भाग्य चल रहा है, जब हम गुलाम थे तो भारतीय थे, और जैसे आजाद हुए वैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बने, और आज हम इस बात को लेकर कितना उलझ पड़े इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते, कि कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां हरदम बदल गए, हरदम वो उनका गर्दन काटने के तैयार है, हम दूसरे गर्दन काटने के तैयार। हमेशा याद रखो मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं, और आपके घर में अगर आग लगती तो आपका पड़ोसी ही बुझाने आएगा, ना बीजेपी आएगी, ना एमआईएम आएगी, ना बसपा, ना सपा, ना कांग्रेस आएगा, कोई नहीं। और जिस पॉलिटिक्स के नाम पर तुम लड़ते हो, 5 रुपए की कटिंग चाय पर जो मर जाते हो, पार्लियामेंट में सारे लोग बैठ कर एक साथ बहस करते हैं, और एक कैंटीन में 20 रुपए में जाकर भरपेट खाना खाते हैं, सबसे ज्यादा जो इसमें डाइवर्ट होता है वो एक आम आदमी होता है, वही मरता है, युवा नेता, छात्र नेता, फलान नेता, दवान नेता, और क्षेत्र के विधायक भी नहीं पहचानते, ठीक है, झंडा लगा घूमने के चले जाए विधायक के पास तो वह अभी मतलब पहचानेगा नहीं, इनकार कर देगा पहचाने से, खास करके कि जीत गया तो जीतने के बाद। पॉलिटिक्स में आस्था रखना एक अच्छी चीज, लेकिन उसके नाम पर कटना, मरना, लड़ना ये अच्छी चीज नहीं। वही अगर आप गलत करके किसी मार दो उनके नाम पर, किसी ने कहा हरा पार्टी मुर्दाबाद, मार दो हमने, उसके बाद तुम्हें कहो कि मैं तुम्हें बचाएगी तो सर कौन सीन है, अपने आप को बचाएंगे बड़ी बात, क्योंकि सारी चीजों की रक्षा करने के लिए भारत का अपना एक संविधान है, जिसके भी कुछ अपने दायरे, ठीक है।
तो इससे पहले हाँ, तो गांधी जी थे, तो इन्होंने क्या किया कि गांधी जी से लोगों ने कहा कि ऐसा है कि हम अलग राष्ट्र चाहते हैं, ऐसा करिए जो हम अपना घर बार छोड़कर यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि उस समय कुछ लोगों ने, अच्छा जबरदस्ती नहीं भेजा गया था, कुछ लोगों की इच्छा थी जो गए थे, कुछ लोगों की इच्छा जो थी वो रह गए थे, इसमें भी पॉलिटिक्स था, इसमें चाहते थे कि हम जाएंगे तो हम वहां के प्रधानमंत्री बनेंगे, और नेहरू जी चाहते थे कि हम बचेंगे तो यहाँ के प्रधानमंत्री बनेंगे, तो दोनों में अपना एक पॉलिटिक्स था, पॉलिटिक्स ने तब भी बांटा, पॉलिटिक्स आज भी हमको पॉलिटिक्स बांट रहा है। तो वो अपना घर बार छोड़ कर गए, मान लो आप किसी वजह से अपना घर छोड़ते हो, आपके पास घर था, आपकी कुछ प्रॉपर्टी थी, जमीन थी, तो आप दूसरे जगह जाते हो तो आपको मुआवजा मिलना चाहिए कि नहीं? जैसे आप जा रहे हो अपने 50 बीघा खेत और 2 बीघे में घर, अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के जा रहे हो, तो आपको पैसा उसका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए ना, यही काम हुआ था। तो जब लोग गए तो लोगों ने कहा अलग राष्ट्र चाहते हैं, तो कुछ लोगों ने कहा भैया ऐसा है, गांधी जी भी चाहते थे ऐसा, भैया अगर आप नहीं मान रहे हो तो आप जा सकते हो। तो हुआ क्या, उसमें कुछ पैसे दिए गए, तो पैसे जब दिए गए तो कुछ लोगों ने कहा गांधी जी आप पैसा देकर के गलत कर रहे हो, हम उनको भगा थोड़ी रहे, हमारे साथ हो रहे हैं। गांधी ने कहा नहीं भैया, जाना चाहते हो तो आप जाओ, उनको कोई दिक्कत नहीं। तो गांधी जी ने कहा नहीं, पैसा देना चाहिए, और हमारे देश की हालत उस समय बहुत खराब थी, क्योंकि वही द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 1945 में 1947 हमारा देश आजाद हुआ, आजादी तो हमें मिल गई, लेकिन आजादी के बाद देश चलेगा कैसे, देश की अपनी कुछ कंडीशंस क्या होंगी, भाई पैसा कहाँ से आएगा, पॉलिटिक्स में कैसे विभाजन करेंगे, देश चलाना कोई, एक घर चलाने में इतना हालत खराब होता है, हरदम पसीना आता, और देश चलाना कोई आसान चीज है नहीं। तो उस समय कहा अगर ये पैसा देश में लगता तो देश तरक्की करता। तो गांधी ने कहा नहीं भैया, ऐसा है कि पैसा दो, ये लोग जाए। इस बात को लेकर के नाथुराम गोडसे जो थे बहुत बड़े देशभक्त थे अपने आप में, ऐसा लोग कहते हैं। अच्छा, इन्होंने अंग्रेजों को थप्पड़ नहीं मारा, इन्होंने देशभक्ति कैसे जताई गांधी जी को मार के। मैं मानता हूं गांधी बहुत बुरे इंसान, उनमें अच्छाइयां भी थी कि नहीं थी? अच्छाइयां भी तो उनमें कुछ रही होंगी। हमारी हमेशा आदत होती है कि हम सिक्के के सिर्फ एक पहलू पर गौर करते हैं, और ये दुनिया का दस्तूर है, कोई शख्स आपकी निंदांत बातों को मान ले तो वो ठीक है, लेकिन अगर एक बातों को मना कर दिया तब आपकी वो 99 अच्छाइयां कम पड़ जाती हैं और एक बुराई आपके लिए भारी पड़ जाती है। ठीक है, तो एक गलती हुई और इंसान खत्म। हालांकि कोई गलती नहीं थी, एक सामंजस्य बैठाने का तरीका था। तो इसमें भी लोग कहेंगे देशभक्ति, इन्होंने अंग्रेजों से कोई गिला शिकवा नहीं हुआ, कभी कुछ नहीं हुआ, इनका कहना था कि मिले हुए। ठीक है, और साथ साथ में हम जब क्लास 8 में जब थे, तब किसी ने क्वेश्चन किया गांधी जी जानते, हमने कहा तो कहीं बताओ, जब गांधी जी के जब मीटिंग होता रहा तो उन्हें लाखों करोड़ों हजारों लोग इकट्ठा होते थे और अंग्रेज उन पर आक्रमण करते थे, लाठीचार्ज करते थे, किसी ने गांधी जी को क्यों नहीं मारा? मैंने कहा भाई मेरे पास इस चीज का जवाब नहीं। तो मैंने अपने टीचर से पूछा था उस समय, अच्छा बताइए तो मैं ऐसा कल बताएंगे, क्या लगता है क्यों नहीं मारा जाता था, क्या मिले हुए थे, क्या लगता है आपकी अपनी विचारधारा क्या कहती है? क्यों? तो उन्होंने अगले दिन जो जवाब बताया वो बताया कि गांधी जी कभी भी किसी को मारते पीटते नहीं थे, इनका था अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही धर्म, मतलब किसी को मार काट करना धर्म नहीं। और अच्छा, इनमें भी उनकी बेवकूफी नहीं थी। अच्छा, तो इनमें क्या था, अच्छा हमारे पास उस समय कोई असलहा कोई हथियार नहीं था, और अंग्रेज रखे हैं रिवॉल्वर और AK-47, अब लाठी लेके जाओ उन्हें मारे, 36 से 38 करोड़ आबादी थी, छोक देते खत्म हो जाते, आज जिंदा रहते नहीं, अगर कोई मान लो बंदूक ले कुछ ना लियो तो भाग रहे, उसे अकड़ दो, एक कहावत जो कहूँ भागे मरत तो कहूँ मारे मर, तो जो क्यों बंदूक लिए खड़ा है तो उसे याद ज्यादा बनी जरूरत अकड़ में ना हो, क्योंकि जिंदगी का उसूल बदलो। लोग कहते हैं सर कटा सकते हैं पर सर झुका सकते नहीं, बहुत गलत कहते हैं, हमारा लाइन ये हो सर झुका सकते हैं पर सर कटा सकते नहीं, क्योंकि सर अगर रहेगा तो फिर से उठ जाएगा, और कटेगा तब तब उठेगा नहीं ना, तो ये बेवकूफी नाक में मत जियो। तो इन्होंने फिर क्या किया कि नाथुराम गोडसे इस चीज को लेकर के गुस्सा हुए, साथ साथ में इन्होंने फिर क्या किया कि उनको मार दिया, दरअसल पूजा करने के लिए गए थे, और उस समय इन्होंने गोली चलाकर उनको 11:28 पर इनको कोर्ट में इन्होंने ये कहा कि मैं गांधी ठीक इंसान थे मैं बात मानता हूं,
लेकिन इन्होंने जो बंटवारा कर दिया मुझे गलत लगा और इन्होंने देश का पैसा उन लोगों को दे दिया इसलिए मुझे गलत लगा, इसलिए मैंने इनको गोली मार दी। ठीक है, खैर अब गांधी जी के बारे में और अगर हम कुछ कहें पढ़ना चाहें तो इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था कस्तूरबा गांधी, मतलब गांधी जी की जो पत्नी थी उनका क्या नाम था, कस्तूरबा गांधी। ऐसा यदि आरोप लगता है कि गांधी जी अपनी पत्नी को भी पीटते मारते, अच्छा गांधी जी अच्छे इंसान थे इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हर सिक्के की दो पहलू होती है, एक अच्छा दूसरा। अपने वक्त में यदि अपने क्षेत्र में बादशाह तो आने के बाद थोड़ा सा देश के माहौल को देखकर इनमें परिवर्तन आ गया। दरअसल इनके मारने पीटने का ऐसा किसी किताब में भी नहीं मिलेगा, इवन गूगल पर भी नहीं मिलेगा। रीजन क्या था कि महात्मा गांधी, मैं बता रहा हूँ ना बेटिया मेरे पास में, महात्मा गांधी जिस आश्रम में रहते थे तो इनके आश्रम में इनके कई सारे फॉलोअर्स रहते थे, तो महात्मा गांधी कहते थे वॉशरूम जो है उसको तुम साफ करो, तो उन्होंने कहा नहीं मैं क्यों साफ करूँ, किसी को बुला के साफ करा। तो हमारा जो समाज था वो चार भागों में बटा था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो कहते थे मतलब निचली जाति को बुलाकर तुम सफाई करा लो। अच्छा गांधी जी ने छुआछूत का भी नारा दिया था कि मतलब अनटचेबिलिटी को दूर किया था इन्होंने, मतलब किसी को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के नाम पर ऐसा ना हो कि आप उनको रास्ता ना चलने दें, उनको आप हक की लड़ाई ना लड़ने दें, उनको मंदिर में ना जाने दें, उनको पढ़ाई में साथ ना बैठने दें, इस चीज के वो खिलाफ थे। तो खुद नारा देते थे भैया कि जो है छुआछूत दूर करो, और खुद ऐसा कराते तो अच्छी बात थी नहीं, चिराग तले अंधेरा वाला काम हो जाता कि मुंह में गुटका लेकर कैंसर का ज्ञान दे रहा, मतलब समझते हो इसका ना, मुंह में गुटका लेकर कैंसर का ज्ञान देना मतलब क्या है, खुद गलत रास्ते पर चलते हुए दूसरों को नसीहत देना। जैसे फेसबुक पर मैंने देखा था एक ट्रक थी, तो उस ट्रक पर भूसा बहुत जबरदस्त लगा था और पीछे लिखा था जो है ओवरलोडिंग जानलेवा है, लादे तो अपना हो दूसरे का तो ओवरलोडिंग जानलेवा है, तो ये गलत बात है। ठीक है, तो यही होता है मुंह में गुटका लेकर कैंसर का ज्ञान देना। तो उसके साथ साथ उन्होंने मना कर दिया कि इस बात को लेकर के वो गुस्सा जाता थे। ठीक है, ये कुछ रीजन थे उस। अच्छा आपको क्या लगता है वो सही करती थी कस्तूरबा गांधी की गलत करते थे? महात्मा गांधी की वाइफ एक अच्छी पर्सनालिटी है, वो सबकी गंदगी को साफ करें इनको शोभा देगा, अगर उनका खुद का होता तो समझ में आता था, तो कहते थे नहीं ऐसा नहीं होता। और इनके साथ जो इनकी दासी रहती थी उस दासी के रहने से कस्तूरबा गांधी जी को आपत्ति थी, दासी समझते हैं ना, नौकरी इनकी एक असिस्टेंट थी, तो जिसको लेकर के इनको आपत्ति थी नहीं हो तुम्हारे साथ ना रहे, क्योंकि तो कोई पत्नी किसी और का साथ कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती, आप कितने सकारात्मक है कितने अच्छे हैं डैट डजंट मैटर, उसको भी लेकर गुस्सा हो जाते थे। और भी कई तथ्य थे लेकिन आप हमेशा पॉजिटिव ही जाने। खैर तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, अच्छा भारत आजाद हुआ 1947 में और हमारे यहाँ का संविधान लागू हुआ था 1950 में, 47 में आजाद हुआ, 50 में संविधान लागू हुआ और गांधी जी की हत्या कब कर दी गई 1900। अंग्रेजों के लाख चाहने के बाद भी गांधी जी ने, गांधी जी जीवित थे हालांकि ट्रेन से फेंका गया, बैग जेल में बंद किया गया, दुनिया भर की चीजें हुई, मगर किसी अंग्रेज के पास इतना दम नहीं था कि वो गांधी जी को मार दे। कहावत कही ना, घर का भेदी लंका ढावे, वही काम हुआ, मतलब ब्रिटिशर्स कुछ नहीं कर पाए इनका, लेकिन अपने ही में जब गद्दार निकला तो इन बेचारों को मार दिया। मैं मानता हूं बहुत अच्छे थे बुरे थे दैट डजंट मैटर, लेकिन उन्होंने देश के लिए इतना कुछ किया था, तो क्या उनको देश को आजाद और स्वतंत्र देश देखने का या संविधान को लागू होने के बाद देश को देखने का हक नहीं था? लेकिन फिर भी उन्होंने उनको मार दिया। वो जो कुछ भी थे, मेरा अपना राय है कि अच्छा नहीं किया, आपकी क्या राय, अच्छा किए थे मार के? अगर तो इतने लागदार है तो मतलब थोड़े फुट भी अच्छा, आज तक कोनो लड़ाई में साथ ना दिखाने, ना किसी अंग्रेज के खिलाफ कुछ बोले, ना कभी लड़ाई में कोई साथ दी, ना आपने कोई आंदोलन चलाया, आपको अपनी देशभक्ति साबित करने के लिए गांधी जी को मारकर देशभक्ति साबित करनी थी, ये कहां का न्याय। तो दरअसल हुआ क्या, इंडिगो की जब प्रॉब्लम चल रही थी तो राजकुमार शुक्ला को क्या सजेस्ट किया, किसके पास जाकर मिलो, गांधी जी के पास, ये गांधी जी के पास गए गए थे। तो कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था और जो भारत की पुरानी पार्टियों में से है वो पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसका एक अधिवेशन हुआ लखनऊ में जिसमें 2301 लोग थे और कई सारे विजिटर्स थे, इन लोगों ने मिलकर के एक अधिवेशन किया। तो गांधी जी से मिलने के लिए राजकुमार शुक्ला कहां पर गए, लखनऊ।
लखनऊ मिले तो कहा गांधी जी ऐसा है कि हमारे चंपारण में बहुत समस्या है, आप चलिए। मैं नहीं, हमारे पास टाइम है, हम कहाँ जा पाएंगे? क्योंकि तब गांधी जी उतना प्रसिद्ध नहीं थे, 1916-17 की बात है, गांधी जी उतने ज्यादा प्रसिद्ध नहीं थे, वही विदेश से अपनी पढ़ाई पूरे करके वो भारत में लौटे हुए थे। तो इन्होंने कहा नहीं, आप नहीं जाओगे तो मैं नहीं जाऊंगा, और उनसे गिड़गिड़ाने लगे, वक्त की भीख मांगने लगे कि ऐसा प्लीज आप चलिए, वहां की समस्या है बहुत ज्यादा है, आप चलकर वहां की समस्या का समाधान करिए, हम बहुत समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो कई हद तक जब इनके पीछे पड़े रह गए, हम जावे नहीं कर रहे, तो चलो तब चल रहे, ठीक है। तो फिर ये पूरी तरह से ये परेशान हो गए, इन्होंने कहा नहीं ऐसा है कि चलिए। तो इन्होंने एक इनको डेट दिया, कहा जब हम कानपुर जाएंगे उधर मुजफ्फरनगर में जब जाना होगा मुजफ्फरपुर में, तब वहां से जाते हुए मैं कहां आऊंगा, मैं वहां से होते हुए मैं आऊंगा पटना, अब जो कि बिहार की कैपिटल है। तो इन्होंने कहा जब कानपुर मुजफ्फरनगर से होते हुए मैं तुम्हारे पास पटना आऊंगा, तो उन्होंने कहा नहीं गांधी जी तुम मेरे डाले चलो, यानी तुम मेरे साथ चलो। काशी की कह रहे हो, मतलब तुम क्या कह रहे हो, ठीक है, असली तेरे नाम नहीं चल सकता। मतलब उन्होंने कहा गांधी जी ने कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, उन्होंने ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा था, ये पंजाबी लैंग्वेज है, ठीक है, उन्होंने सिंपली हिंदी बोला था, ठीक है। मतलब राजकुमार शुक्ला क्या चाहते थे, गांधी जी उनके साथ चले। गांधी जी ने क्या कहा था, मेरा अलग अलग डेट्स में मेरा अपॉइंटमेंट है, और अपॉइंटमेंट जैसे जैसे आता रहेगा मैं आऊंगा, और तुम्हारे यहाँ चंपारण में आने का वादा करता हूँ। कई दिनों महीनों का इंतजार करते रहे, उस इंतजार की घड़ी समाप्त हुई, और फाइनली गांधी जी अब कहां आ गए, पटना। पटना रेलवे स्टेशन पर ये तकरीबन 12 बजे पहुंचे। तो एक टीचर हुआ करते थे जिनका नाम था जेपी कृपलानी, जेपी कृपलानी नाम के गवर्नमेंट टीचर थे, वो 50 बच्चों को लेकर के, तकरीबन 50 बच्चों को लेकर के रात को गांधी जी को रिसीव करने के लिए पहुंचे पटना रेलवे स्टेशन पर। रेलवे स्टेशन पहुंच कर इनका स्वागत किया गया, जेपी कृपलानी गवर्नमेंट टीचर थे, इन्होंने इनको लेटर लिखा था गांधी जी ने कि आ रहा हूं, तो अपने दोस्तों के साथ, अपने बच्चों के साथ के उन्होंने इनका स्वागत किया। अच्छा, उसके बाद ये चाहते थे कि मेरी मुलाकात जो हो वो वहां के लोकल लीडर्स से, जो छोटे छोटे वकील हैं, जो हमारे देश के लोग हैं, उनसे हमारी मुलाकात हो। तो जेपी कृपलानी के बाद रहने के बाद इन्होंने विजिट किया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर पर ये गए उनसे मिलने के। तो उनके नौकर ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नौकर ने कहा कि ऐसा है कि राजेंद्र प्रसाद जी घर पर नहीं। तो अच्छा, ये जो थे राजकुमार शुक्ला से उनके पियून का तात्पर्य था, राजकुमार शुक्ला जो थे अक्सर जाते रहते थे अपनी समस्याओं को लेकर के वकील साहब के पास, हालांकि बहुत अच्छा ये मदद नहीं कर पाते थे। तो राजकुमार शुक्ला का परिचय किससे था, उनके घर के नौकर से, मतलब जो राज इनका राजेंद्र प्रसाद के घर पर जो सर्वेंट था वो किसको जानता था, राजकुमार शुक्ला को जानता था। तो कहा फिर आएंगे, इसकी समस्या सोल्यूशन निकलने का, आए विभाग आते हो नहीं है, जाओ। तो गांधी जी ने कहा कि ऐसा है कि चलो बैठ कर वेट कर लेते हैं। तो गांधी जी उनके घर के पास बैठे हुए थे, तो उनको प्यास लगी। तो प्यास लगने के बाद उन्होंने क्या किया, कुआं बना था क्योंकि नल और बिस्लरी तो चलता नहीं था, कि जाओ बिस्लरी खरीद के पी लो। तो गांधी जी उठ गए और चलो पानी पी लेते हैं। तो पानी पीने के लिए जब गए तो उनके नौकर ने कहा, कहां जा रहे हो, पानी पीना था, बैठो ला रहे हैं। किसको कहा था, महात्मा गांधी खुद क्या था, उनके घर का नौकर था। ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जानता नहीं था, उनकी ख्याति बहुत ज्यादा नहीं। तो जब गए तो पानी पीने से इनको मना कर दिया गया। आजकल के लोकल विधायक होते तो नाम नोट करो तो गायब करा देकर लस्सी होने मिले। एक अगर तनिक बड़े प्रधान अगर है कौन हो वैसी अपना है, तब वो इतना गुरूर आ जाता है, ठीक है, कि दबदबा था, दबदबा है, दबदबा ऐसा बना है। एक तनिक बड़े प्रधान है, 5 साल बाद बताना लगी कहा नहीं, अगले बार अगर मुर्गा मछली और दारू में पैसा कमी के दिन तो आज नहीं कन्फर्म। और यही वजह होती कि देश तरक्की नहीं कर पाता है। वो बेचारे इतने साधारण थे, वो मान गए, और गांधी जी ऐसे हाथ करके और उनके ऊपर से ऐसे पानी डाल दे ना, ऐसे पी और चुपचाप वहीं बैठ कर। बाद में राजकुमार शुक्ला से पूछा, यार ये क्या हो, तो क्या ऐसा है, आपको निचली जाति का समझ रहा है। तो कहा अभी थोड़ा सा चुप गया होता तो पूरे कुएं का पानी पीना गंदा कर देता, लेकिन शुक्र है कि मैंने देख लिया। उसको पानी पिलाया गांधी जी महाराज को, उसके बाद वही बेचारे बैठ, बहुत बुरा लगा इनको, मगर उन्होंने उनका दामन नहीं छोड़ा, वो लगे रहे। ये वक्त यूं ही बीतता रहा, गांधी जी लोगों के पास जा जाकर सबकी समस्या का निवारण निकालने की कोशिश करते हैं कि समस्या तुम्हारी क्या है मुझे बताओ। तो लोग कहते रहे तो भैया जो है हाल मान जीत रहा हूँ, मैं मार रहा हूँ तो चला जा रहा हूँ, मैं मार रही हूँ, ब्रिटिशर्स हमें तकलीफ देंगे तुम तो चले जाओ यहाँ से।
मतलब उनके भरोसे को भी जीत रहे हैं। ये जब ऐसे जा रहे थे, लोगों से अपनी राय रख रहे थे, अपनी जब बातें रख रहे थे, उसी दरमियान इनको पुलिस सुप्रिटेंडेंट का एक लेटर आया। उन्होंने कहा तुम यहाँ के लोगों के माहौल को तुम खराब कर रहे हो, ऐसा यहाँ से कल्टी मारो, गांधी जी निकल रहे हो यहाँ से। तो गांधी जी ने पहली बार जो है वो किसी लेटर को लिया, उन्होंने कहा एक्सेप्टेड एंड डिसओबेड, मतलब मैंने स्वीकार किया और मैं इस बात का उल्लंघन करता हूँ। लिखित में उन्होंने दिया कि मैं इस देश को, इस चंपारण और इस पटना को छोड़ करके नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं लोगों के हित के लिए आया हूं। पहली बार उन्होंने विद्रोह किया। लोगों का गांधी जी पर विश्वास धीरे धीरे बढ़ता गया। वक्त ऐसे आ गया जब कुछ दिन और बीते तो कोर्ट से इनको नोटिस आ गया कि कोर्ट में आपको अपीयर होना है। वहां से नजरअंदाज, देखिए पुलिस की नोटिस को एक बार नजरअंदाज किया जा सकता है, लेकिन कोर्ट से अगर आया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। कोर्ट से जब नोटिस आया कि गांधी जी आपको हाजिर होना, अच्छा गांधी जी फील्ड वर्क करते रहे, लोगों के पास जाते रहे, समस्याएं सुनते रहे, भरोसा जीतते गए, और इन्होंने वकीलों को बहुत फटकारा। वकीलों को फटकारने को पुलिस में कहते हैं चाइल्ड, जैसे पर्सन आर हू वाइट गांधी जी चाइल्ड द लॉ। तो इन्होंने बहुत फटकारा, कहा यार तुम लोग इतनी लंबी फीस काहे लेते हो, मतलब तब के टाइम पर चंपारण के लोगों से बहुत लंबे पैमाने पर लोग इनको फीस वसूला करते थे। तो गांधी जी ने फटकारा कि भैया फीस इतनी लंबे तादाद में तुम काहे वसूलते हो। फिर इन्होंने कहा, वकीलों को समझाया, अच्छा वकील खुद भी शर्मिंदा हो गए कि यार ये बंदा इतनी दूर से चलकर हमारी समस्याओं को सॉल्व करने आया है, और एक हम जो चंपारण में रहकर ही इनकी समस्याओं को नहीं सुनना है। तो वकील भी इनके फेवर में आए, जनता भी इनके फेवर में आती गई। फिर जब इनको कोर्ट बुलाया गया तो जनता भी इनके साथ कोर्ट पहुंची। कोर्ट पहुंचने के बाद जब भीड़ बहुत ज्यादा थी इनके साथ, तो जज ने कहा नहीं आज के इस फैसले को हम डिले करते हैं। तो कहा नहीं, आज का फैसला आज और अभी चाहिए। तो उन्होंने कहा ऐसा 120 मिनट बाद होगा कुछ काम। तो कहा ठीक है 120 मिनट बाद हम वेट कर लेंगे। लंबे पैमाने पर भी गांधी जी के साथ फॉलोअर सब बैठे हुए। कोर्ट में बुलाया गया, बहुत लंबी बहस चली। कोर्ट में बार बार जज यही कहता आप चंपारण के माहौल को खराब क्यों कर रहे हैं। तब जवाब देते सरकार मैं माहौल नहीं खराब कर रहा, मैं तो यहाँ की समस्याओं को सुलझाने आया हूँ। दरअसल इस समस्या को सुलझाने की जिम्मेदारी सरकार की थी, मगर सरकार नहीं कर रही है, तो मैं इनकी समस्या सुलझाने आया हूँ। मैं किसी के साथ कोई मारपीट झगड़े लड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बहुत शांति से अपने बात को मैं रख रहा हूँ, और इनसे जो पैसा वसूला गया है उनकी वापसी चाहता हूँ, क्योंकि फसल लगाए भी नहीं तो लगान इनसे ले लिया गया था। तो कहा ऐसा है वापसी चाहिए। तो कहे आप ये बताइए आप आए क्यों हैं, आपकी क्या जरूरत थी, हम काम कर रही सरकार आप भड़काने के लिए लोगों को आए। कहा नहीं सरकार भड़काने के लिए नहीं आए, आप समस्या हमारी सुनिए, इन विचारों का पैसा वापस दे दीजिए। तो जब घंटों तक बहस चलने के, अच्छा बहस समय अगर आप कूल माइंड होते हैं तो आप अपनी बातों का जवाब अच्छे से देंगे, और जहां हाइपर हुए वहां जंग हार जाएंगे। कभी कभी देखते हैं कोई इंसान आप झगड़ा गुस्से में होते हैं, सामने वाला बहुत हंसते हुए आपको जवाब देता है, वो जितना सटीक आप वो हंसते हुए दे देगा उतना गुस्से में जवाब नहीं देता। हमेशा जब झगड़े लड़ाई हो तो थोड़ा शांत हो जाए, क्योंकि शांत दिमाग से लिए हुए फैसले कभी गलत नहीं होते। तो जब बहस के बाद फाइनली क्या हुआ कि ऐसा गांधी जी तुम्हें 50% मिल पाई। तो गांधी जी ऐसे ठीक है देगा 85% दे। तब जब 50 पर माने तो फिर ब्रिटिशर्स का नहीं नहीं ऐसा है 50 नहीं दे पाएंगे गांधी जब 25% नहीं है। तो कहा अच्छा ठीक है देखा 25 दे दो। अब जब 25% पर एग्री हो गए तब फिर लोग गुस्सा हुए, कहा मिला नहीं, गांधी जी अंग्रेजों से मिले हुए, अगर गांधी जी चाहते तो हमको 100% मिल जाता, लेकिन 25 पर मानेंगे तो क्या हुआ, फिर गुस्सा हो गया। फिर ये हुआ कि गांधी जब बाहर लौटे तो कहे बताइए अगर हमको जेल में जाते तो तुम लोग क्या करते। तो कहा हम लोग क्या करते साहब, अपने अपने घर चले जाए, क्या करेंगे, आपको जेल हो गई आप जेल जाइए। आए किसके लिए थे, किसानों के लिए। लड़े किसके लिए, किसानों के लिए। कौन जाने की बात कर रहा था, कह रहे थे हम अपने अपने घर चले जाए तो जेल तो जाते आराम से। लेकिन कुछ लोगों ने कहा नहीं गांधी जी हम आपके साथ रहते हो, हम भी जेल चले जाते। उन्होंने कहा आपके अंदर अगर इतनी एकता आ गई है तो चंपारण के जंग को अब हम जीत चुके हैं, अब हमें कोई हरा नहीं सकता। उनको एक हौसला आया, ये दौर यूं ही चलता रहा। उन्होंने क्या किया, एक टीम गठित करवाई। टीम गठित करने के बाद गए कहा ऐसा जाओ घर घर देखो समस्या क्या क्या। गांधी जी रहेंगे और उनके जो पुलिसकर्मी है वो उनके साथ रहेंगे, मतलब गांधी जी होंगे और पुलिसकर्मी ब्रिटिशर्स होंगे। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि हमारे सेना के सामने कोई हमारे खिलाफ नहीं बोल सकता। लेकिन गांधी जी अब लोग डर रहे थे, फिर भी बता नहीं रहे थे अपनी समस्याओं को। लेकिन धीरे धीरे वक्त गुजरता गया, गांधी जी विश्वास लोगों पर, गांधी जी का विश्वास क्या का, लोगों का विश्वास गांधी जी पर पड़ता गया। लोगों ने फिर सबूत देना शुरू कर दिया। जब सबूत इकट्ठा हो गए तब सरकार मजबूर हो गई, और मजबूर होने के बाद उन्होंने कितना परसेंट वापसी दिया, 25%। उन्होंने लोगों को समझाया कि यार देखो पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, जीत इंपॉर्टेंट है,
अंग्रेजी सरकार ब्रिटिशर्स हमारे सामने झुके हैं और हमारी सबसे बड़ी जीत यही है। पैसा मिला नहीं मिला दैट डजंट मैटर, लेकिन हम जीत हासिल कर रहे हैं, उनको झुका लेंगे, हमारी सबसे बड़ी जीत यही है। फिर भी लोग इनसे कुछ हद तक नाराज थे। कस्तूरबा गांधी ने फील्ड वर्क करना शुरू किया, मतलब लोगों के घर पर जाने लगी, महिला संबंधी जितनी भी सफाई जितनी भी चीजें थी उसको दूर करने का काम किया। इन्होंने एक महिला को देखा जो एक साड़ी पहनी थी, उसी साड़ी को धुलकर वो पहन रही थी। फिर उन्होंने जब देखा तो पता चला कि गरीबी बहुत चरम पर है, उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं जिससे वो पहन सके। गांधी जी ने डॉक्टर्स फिट किए, वॉलंटियर्स लगाए, स्कूल खोले, प्राइमरी स्कूल खोले। गांधी जी का बेटा खुद वहां पर गया, उसने प्राइमरी स्कूल में हाथ बटाया। कस्तूरबा गांधी की जो थी वो घर घर लोगों के पास जाने लगे और लोगों की समस्याओं का समाधान किया। ना सिर्फ चंपारण की इंडिगो का, मतलब चंपारण में सिर्फ इंडिगो ही नहीं बल्कि उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज के लिए बहुत कुछ काम किया। कई सालों तक उनके साथ बने रहे, उन्होंने वॉलंटियर्स लगाए, खुद अकेले कुछ नहीं कर पाए थे। और कोई इंसान अकेला कुछ नहीं कर सकता, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, ठीक है। तो सब इन्होंने वॉलंटियर्स ने इनका साथ दिया। और इसके साथ साथ एक बंदा था जिसका नाम था चार्ल्स एंड्रयू, तो उसने कहा गांधी जी मैं आपका बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ, आप कहिए तो मैं आपका सपोर्ट करूं। तो गांधी जी ने, मतलब ये जो था अंग्रेज था लेकिन गांधी जी का बहुत बड़ा समर्थक था, मानने वाला था, तो सब खुश हो गए, हाँ गांधी जी ले लो सपनों, ले लो जीत जाओ जी। तो उन्होंने कहा नहीं मैं साथ नहीं लूंगा। फिर गुस्सा आएगी, अच्छा खासा जीत तो रहे, बड़ा होशियार बन तो का मतलब हर कदम पर इनको टोका गया। तो लोगों को इन्होंने लोगों, अच्छा क्या लगता है उन्होंने सही क्या गलत किया? एक अंग्रेज कहता था गांधी जी मैं आपका साथ दूंगा, पूरे राज बताऊंगा। गांधी जी का नहीं भैया मैं तुम्हारे साथ नहीं चाहिए, ले लेना साथ में ना, क्यों तो फिर कहते कि उनके तो इन्होंने कहा भैया जीत तो जाओ लेकिन कहा भाई हमारे बदौलत जीते हो, और अगला क्या पता भाई गद्दार निकल जाए, भाई हमारी सूचना को ले जाकर के दूसरों के पास पहुंचा दे तो हम जीतेंगे नहीं। तो लोगों को इन्होंने समझाया, कहा भैया ऐसा नहीं, घुमाया ना पड़ो, वो हमारे अपने नहीं हो सकते, वो है तो उनकी, वो है ब्रिटिशर्स तो अपना ही करेंगे ना, हमारे पक्ष में वो क्यों हो सकते हैं। हालांकि क्या पता वो सही था गलत था इसकी कोई क्लेरिफिकेशन ऐसी नहीं, लेकिन उन्होंने उसका साथ देने से मना कर दिया। फिर भी लोग उनसे नाराज हुए और ये कहानी यहीं